हमारे साथ अभी मौजूद हैं जेडीयू के गोपालगंज जिले के कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू जी। सबसे पहले इनका स्वागत है। और सर, जिस तरह से दोनौंदा का उपचुनाव होने जा रहा है, कैसा चल रहा है? आप लोग भी क्षेत्र में गए होंगे, किस तरह का चुनाव होने जा रहा है इस बार? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और लोगों को विकास चाहिए और कर्मठ नेता चाहिए, और वह देखने को अजय सिंह में है कि जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और पुनः फिर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लेकिन सर, सिवान की अगर बात करें, लोकल चुनाव है, दोनौंदा का उपचुनाव, जो पूर्व सांसद है, जो भाजपा के नेता हैं आपके, ओम प्रकाश यादव, एनडीए गठबंधन भी आपका है जेडीयू और बीजेपी का, उनका एक बयान आया था 2 से 3 दिनों तो पहले, उन्होंने कहा था कि मैं अजय सिंह को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करूँगा, साथ नहीं दूंगा, मैं भले ही जहर खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि शहाबुद्दीन अपराधी थे, उनका मैंने विरोध किया और ये भी जो है ये भी अपराधी हैं। ये बयान कितना असर डालेगा इस दोनौंदा उपचुनाव में? जहाँ तक ओम प्रकाश जी की बात है तो उनसे बात किया जाएगा, इसलिए कि गठबंधन में हम लोग हैं ना, गठबंधन से तो उसे तो अलग है नहीं, और न उजहर खाएंगे और न हम विरोध करेंगे, उजहर भी नहीं खाएंगे और इनका मदद भी करेंगे, हम लोग इसके लिए उनसे वार्ता करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भले ही पार्टी मुझे निकाल देगी, मदद मैं नहीं करूँगा, ये पूरे मीडिया के पास बयान है, ऐसे में किस तरह से आप लोग मनाएंगे? वो तो मानेंगे नहीं। अब उनकी देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे, अभी कुछ कहना अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपसे मुलाकात होगी, चुनाव में हम लोग चलेंगे दौड़ा में, आज तो नॉमिनेशन है, फिर आप बात करिएगा हम लोग। दूसरी बात सर ये है कि जब कविता सिंह चुनाव लड़ रही थी, चुनाव की रणनीति जो थी एमपी की, वो सिवान के फतेहपुर से तैयार हो रही थी, ब्यास सिंह के मकान से। आज वही ब्यास सिंह इनके सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन कर दिए हैं और भाजपा का एक खेमा उनके साथ है, आज भी दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन भले ही है लेकिन भाजपा के कोई लोग आपके नामांकन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये कितना असर डालेगा इस चुनाव में? देखिए, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि पार्टी ने इनको टिकट दिया है ना, और गठबंधन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है। अगर हम बीच में हम जेडीयू के एमएलए हैं और जाकर के अलग से कोई काम करते हैं तो अलग की बात है, लेकिन गठबंधन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है, तो इसे बाकी किसी के इधर उधर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भाजपा के लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके आज नामांकन में, और ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है जरूर, भले ही आप माने या ना माने। देखिए, वोट जनता को देना है, किसी नेता को नहीं देना है। हम भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हम भी उस जनता के बदौलत लड़ते हैं और उसके भरोसे लड़ते हैं, तो वोट जनता को देना है, इसलिए कौन कहाँ गया, कौन आया, अजय सिंह को टिकट मिला है और अजय सिंह हम लोग के प्रत्याशी हैं और उनको चुनाव हम लोग जिताएंगे। और चुनाव आपके पार्टी के एमएलसी हैं शिवप्रसन्न यादव, अपने बेटे को इस बार साथ देंगे, ये कहना है शिवप्रसन्न यादव के बेटे शैलेंद्र यादव का, जो आरजेडी के बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल कर दिए निर्दलीय के तौर पर, इसे क्या माना जाए? क्योंकि शिवप्रसन्न यादव पे अगर देखा जाए तो इधर के कई चुनाव में आपको साथ नहीं मिल रहा है, जिले की अगर बात करें तो। क्या साथ नहीं मिला तो क्या हमारा सांसद का सीट नहीं निकला? नहीं निकला है, लेकिन इस बार कुछ दूसरा? कुछ नहीं होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, आप देखिएगा अजय सिंह फिर चुनाव जीतेंगे, जिसको जहां जाना है जाते आते, उसे कोई फर्क। सर एक सवाल और है, पिछले अगर दोनौंदा विधानसभा की चुनाव की बात करें, उस समय जेडीयू और आरजेडी एक साथ थे, लेकिन उस समय क्या था कि दोनौंदा का जो समीकरण है MY समीकरण, राजद था तो राजद के साथ चला गया, यानी कि अजय सिंह के साथ चला गया। इस बार यादव नहीं है, मुस्लिम नहीं है, जिस मुद्दे के साथ आप जाएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात आई, तो वो तो फिर उस तरह से आप इस बार अगर जा रहे हैं मुद्दा लेकर के, तो क्या इसको इसका भी कुछ खामियाजा आपको मिलेगा? सही बताइए, आप इसके पहले वाले चुनाव की बात कर रहे हैं, उसके पहले नहीं गए कि किसके साथ चुनाव हुआ? उसके पहले तो विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उस समय आरजेडी जेडीयू एक साथ थी, तो उस समय माइनॉरिटी और फिर आपको यादव जो वोट था वो आपके साथ था। ना ना, उसके पहले जाए तो बीजेपी के साथ और जेडीयू का चुनाव हुआ था ना, उस समय गठबंधन हुआ था, तो उस समय सबसे ज्यादा वोट हम लोग सीट लाने का काम किए थे, और इस बार भी गठबंधन है, कोई समीकरण काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह माना जाए कि इस बार भी आप चुनाव जीतेंगे वहां से? अच्छे वोट से जीतेंगे। लेकिन एक चीज सर और है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का खेमा आपको हराने के लिए एरी चोटी एक कर देगा। अभी तो पार्टी है तो विपक्ष है तो हराएंगे नहीं, वो तो हमारे सपोर्ट में घूमेंगे वो, और जब सपोर्ट में घूमेंगे तो फिर नॉमिनेशन की क्या जरूरत है, निर्विरोध हम लोग नहीं चुन लेंगे। अंतिम सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी चुनाव से और आपके गठबंधन में आने वाले पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो दरार हो जाएगी और गठबंधन टूट भी सकता है? क्योंकि दोनौंदा का उपचुनाव सर बहुत हॉट सीट माना जा रहा है और ये प्रतिष्ठा की भी सीट मानी जा रही है दोनों पार्टियों के लिए। अच्छा, आप प्रतिष्ठा मान रहे हैं ना,
तो अजय सिंह विधायक हो चुके हैं, आप प्रतिष्ठा मान रहे हैं? अरे हम क्यों नहीं मान, उसी लेना हम आए, गोपालगंज से चल के आए हैं, प्रतिष्ठा को लेकर आए हैं। अजय सिंह विधायक बन चुके हैं, जिसको जहाँ जाना है जाते रहे, आते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमरेंद्र पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से अजय सिंह कई बार अपनी पत्नी और माता को चुनाव जिताते आए हैं, ठीक उसी तरह से इस बार भी एनडीए गठबंधन के साथ कोई दरार नहीं है और इस बार भी अजय सिंह क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि अमरेंद्र पांडे का जो दावा है वो आने वाले समय में इनका दावा कितना साबित हो पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान।